is mind blowing. We've been on 31st, Rakhi was in Chicago performing on the same song. I was in Indore, we saw the response, and it's overwhelming for all of us. And tonight, we all are here to celebrate it. Mr. Soni is with us. He's always been these kind of occasions, he's always there. Rakhi will perform tonight for all of you guys, for all of media persons. She celebrates with media. So that is the occasion. And एक छोटा सा इंसिडेंट है इस एल्बम के पीछे कि एल्बम मैं रिकॉर्ड कर चुका था, सिंगल रिकॉर्ड कर चुका था, तो उसके बाद राखी आस्क्ड मी टू टेक दलेर पाजी'स वॉइस इन दिस सिंगल. और दलेर पाजी की आवाज़ आने के बाद इस गाने को एक नेक्स्ट लेवल मिला. और जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, शायद अभी राखी भी उसमें बताएगी कि उसके पीछे वो म्यूजिक, वो वॉइस और कुल मिला के जो एक ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें राखी का परफॉर्मेंस, चाहे वो बुढ़ा मिल गया था, परदेसिया था, वे में जेड़े पासे था, जितने भी गाने थे, मेरे सारे गानों में उसका एक परफॉर्मेंस ये लगता है, इसीलिए वो स्टैंड आउट हुए. तो ये कुल मिला के उसका परफॉर्मेंस, दलेर पाजी की वॉइस और वॉट एवर द म्यूजिक अबाउ, सो अच्छा सब हुआ है. सो वी ऑल आर हेयर टू सेलिब्रेट. हम लोग आज रॉक करेंगे क्योंकि राखी का परफॉर्मेंस है, तो राखी विल से समथिंग एंड देन मिस्टर सोनी विल से. राखी इज गोना परफॉर्म फॉर मीडिया. This is what she does. She does Ganpati, she does Raksha Bandhan, she does everything for media, with media. So tonight, first she'll be saying something and then she'll be performing. Hello, good evening everyone. हाँ, जैसे भाई ने बताया डीजे शेजवुड ने के पहले उन्होंने गाना बनाया पार्टी पंजाबी स्टाइल, किसी और से गवाया तो मुझे इतना मजा नहीं आया. मैंने कहा क्यों ना ये एक ऐसी आवाज में कोई सॉन्ग गाए जो धमाका हो जाए, तो मुझे दिलेर पाजी से बेटर किसी की आवाज़ नहीं लगी. तो मैंने कहा दिलेर पाजी को हम लोग गवाते हैं ये सॉन्ग पार्टी पंजाबी स्टाइल, क्योंकि सॉरी इट वाज हर अप्रोच, क्योंकि दिलेर पाजी ने पिछले दो साल से कोई सिंगल नहीं गाया था. जब राखी ने बोला कि मुझे आपके साथ गाना करना है तो वो तैयार हुए और उन्होंने परफॉर्म भी किया. बिल्कुल, और मैंने उन्हें उनका जो तुनक तुनक तुम जो गाना था बहुत ही हिट था, तो उसके बाद काफ़ी काला कौवा काट खाएगा बहुत सारे सॉन्ग थे दिलेर पाजी के, तो बट ये जो हाई स्पीच का ये सॉन्ग था तो इसलिए हमने कहा के बाद उनके वॉइस पे कोई नाचने को तैयार नहीं था. हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे, कुछ स्टार्स भी देखे, कुछ स्टार्स के पास तो डेट्स भी नहीं थी, कुछ खान्स भी देखे, कुछ खान्स की कुछ ज्यादा खान्स भरी हुई थी. फिर हमने दिलेर पाजी को बोला भैया ये आपने गाया है तो आप खुद ही डांस कर लो इस पे. तो दिलेर जी ने इस पे कूद कूद के बहुत डांस किए हैं और मेरा वीडियो काफी टाइम के बाद एक अच्छा वीडियो मैंने जनता के सामने रखा है. आई होप कि उन्हें बहुत पसंद आएगा. और इसमें आप एक बार नहीं, तीन बार शूट किया गया है. पहली बार है कोई वीडियो जिसे तीन बार शूट किया गया, एक मेरी नजर से और एक सेंसर बोर्ड की नजर से. मुझे पता नहीं था कि सेंसर बोर्ड के जल्दी आंखें खुल गई कि राखी सावंत के उनको सीन जल्दी नजर आ गए और उन्होंने कहा ओ माय गॉड राखी आपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है. मैंने कहा अगर सेंसर बोर्ड को कहा अगर मैं आपको 200-400 फिल्में ऐसे दिखा देती हूँ जो स्मूचिंग कितनी की हुई आपने पास कर दिया, लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो क्या कपड़े नहीं पहनती हो, आपने पास कर दिया, सिर्फ मैंने एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम ब्लू कलर का पहन लिया तो आपको इतनी तकलीफ हो गई. मैंने कहा मिर्च मेरे ही काम आ गई क्या? तो बहुत तकलीफ हुई और फिर हमने फिर से रीशूट किया, काफी पैसे लग गए इस पे, बट फाइनली अच्छा शूट होके आ गया एंड सेंसर बोर्ड के हिसाब से थोड़े पूरे कपड़े पहनने पड़ गए. और इसे दो तीन प्रोड्यूसर हैं हमारे, फेथ इन कॉर्पोरेट मूवीज जो है मेन है, इन्होंने प्रोड्यूस किया है, राहुल कपूर जी ने एंड चेतना एंटरटेनमेंट ने और अंगद प्रोडक्शन, सैफी फिल्म्स और हमारे भाई सोनी जो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं और चरिश्मा स्पा के ब्यूटी स्पा के ओनर हैं. तो इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया सेंसर बोर्ड के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, वीडियो को रिलीज करने तक के लिए बहुत हेल्प किया. मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. और आज का स्पेशल जो मेरा परफॉर्मेंस है वो किसी के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी, सिर्फ हाई जास प्लीज कम ऑन द स्टेज कम. तो ये स्पेशल परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए है, ये मेरा परफॉर्मेंस.
तो मैंने कहा कि अभी तक मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हाय, क्या बात है, क्या बात है। सो इजाज खान का हम वेलकम करते हैं, इज माय बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज। थैंक यू। तो ये आज का मेरा परफॉर्मेंस और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वीडियो के सक्सेस के लिए है। डेढ़ दो महीने और वीडियो चैनल में चलता रहेगा, लोगों को बहुत पसंद आया है। दिलेर मेहंदी जी ने सिंग किया है, डांस किया है और मेरा वीडियो पहली बार आप सबके सामने आया है, हॉट वीडियो। एंड आई होप कि जनता को बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। और डेफिनेटली 31st नाइट में काफ़ी झूम रही है, मैं तो शिकागो में धमाल मचा के आई हूँ। शिकागो में लोगों ने कहा कि पहले वहाँ पे स्नो नहीं हो रहा था, वक्त से पहले स्नो हो गया। मैंने कहा हाँ, क्योंकि शिकागो को मैं जाके गर्म करने वाली थी, उससे पहले ठंडा कर दिया। तो 31st का नाइट मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग रहा। आई एम सो सॉरी कि मैं लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में कर रही हूँ, हालांकि मैंने दिलेर पाजी के साथ दिल्ली में किया था परफॉर्मेंस, क्योंकि दिसंबर का महीना था एंड 31st नाइट था। दिलेर पाजी को भी जाना था अब्रॉड अपने शोज के लिए, मुझे भी जाना था। बट अभी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया के लिए, आज का परफॉर्मेंस सिर्फ मीडिया के लिए है। यस, हम लोग इस प्रोडक्ट में जो हम लोगों के साथ जिन लोगों ने हेल्प किया क्रिएटिवली, डायरेक्टर दिनेश तिवारी, डायरेक्टर प्रशांत, कुछ लोगों ने क्रिएटिवली नहीं करेंगे। एंड आई वांट राखी टू परफॉर्म ऑन द ट्रैक। होए सारे इकट्ठे हो लो, होए करो बीट नु फॉलो, होए सारे इकट्ठे हो लो, वो कर दे ढक्कन खोलो, विंडो पाड़ी 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 इन पंजाबी स्टाइल। सो शी विल बी परफॉर्मिंग फॉर अस। हां बिल्कुल, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। सेकंड इसमें पहला वीडियो है जिसमें दो दो तीन तीन डायरेक्टर है। Finally you've taken me also, and it was Rakhi's vision. मैं तो सिर्फ राखी को असिस्ट कर रहा था। It was not at all my direction, but yeah, she always came up with a very clear vision. और जिस तरह से वीडियो चाहती थी उसी तरह से वीडियो बहुत अच्छा बना है और धूम मचा है। And people are loving it from across. And my film is coming, Dangerous Husn. So definitely, I have launched Sunny Leon's husband Daniel as a hero. So Rakhi, I request Rakhi also to do one of the song in my movie on this stage. हाँ हाँ, सनी लियोनी के हस्बैंड को बताना ही पड़ेगा कि हॉट चीज क्या होती है इंडियन में, इंडिया में कितना नमक है। And you being you ruling the even industry Bollywood or small industry small screen also since a decade, since even Rakhi has given this much of it, so definitely she going to rule and you gonna be there. Thank you. Definitely सनी लियोनी के हस्बैंड के साथ डेफिनेटली उनको थोड़ा हमारा इंडियन नमक तो चखाना पड़ेगा डेफिनेटली। और मैं दिलेर मेहंदी जी आने वाले थे बट उनका परफॉर्मेंस है, अब्रॉड जा रहे हैं, वो लंदन जा रहे हैं, तो इसलिए वो आ नहीं पाए। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ की जो हमारी मीडिया है मुंबई की मीडिया को मैं संभाल लूँगी, तो मेरी मुंबई की मीडिया के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। व्हाट यू से, काफ़ी है ना? ठीक है, तो आप सबके लिए मैं ये जो मेरा गाना पंजाबी पार्टी स्टाइल जो लोगों को पसंद आ रहा है उसे मैं परफॉर्म करूंगी। थैंक यू। मैं सोनी भैया को बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज। सोनी भैया प्लीज आइए, वेर आर यू, वेर इज ही। मैं इस वीडियो में जितनी भी मेरी यूनिट है तिवारी जी से लेकर सभी 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 लोग, मीशा पारल थैंक यू सो मच, जितने भी मेरी टीम है सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अवध शर्मा जी का, राहुल कपूर जी का, अंगद जी का, सबका 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 मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
एंड सभी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं